रेती के तस्करों ने पाशिनी तहसील के नवीन वाघोड़ा, साहुली आ, साहुली बा, पाड़ी आदि घाटों से हाल ही में 90,538 ब्रास रेती की चोरी की है। सरकारी दर के अनुसार इसकी कीमत 97,81,97,300 रुपए है। राज्य सरकार को इस राजस्व को छोड़ना पड़ सकता है। यह रकम किससे और कैसे वसूले, वसूलने के तरीकों को लेकर अभी फिलहाल संभ्रम है। राज्य सरकार को इस राजस्व को छोड़ना पड़ सकता है। यह रकम किससे और कैसे वसूले, वसूलने के तरीकों को लेकर अभी फिलहाल संभ्रम है। जिलाधिकारी विमला आर के आदेश पर इन रेती घाटों का श्री गुरु कंसल्टेंसी नागपुर के जरिए मूल्यांकन किया गया। एजेंसी द्वारा इसकी रिपोर्ट पेश करने के बाद यह रेती चोरी उजागर हुई है। इन घाटों से कुल 90,538 ब्रास रेती की चोरी होने की जानकारी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज की है। वर्ष 2020-21 के लिए नागपुर जिले के कुछ रेती घाटों की नीलामी की गई थी। इसमें पाड़ी, नवीन वाघोड़ा और साहोली घाट शामिल नहीं थे। आरोप है कि तस्कर इन घाटों से ही रेती निकालकर ले गए हैं। इसके संबंध में भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के सदस्य राजेश चौहान ने पारशिवनी के तहसीलदार को लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे यह मामला जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और मामले ने अलग मोड़ ले लिया। अपर जिलाधिकारी शिरीष पांडे हाल ही में 31 मार्च को सेवामुक्त हुए। 16 फरवरी को शिरीष पांडे इन्होंने जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन अनुसार रामटेक एसटीएम वन्ना सोरा गड़े और सांगाड़े तहसीलदार पारशिवनी को सूचित किया। आनन फानन में तहसीलदार ने करीब 30 रेती ट्रांसपोर्टर और रेती विक्रेता को दंड कार्रवाई बाबत नोटिस देकर जवाब मांगा। नवीन वाघोड़ा और पार्टी रेती घाट की इतनी सूच में हो गई थी, उस पर निष्पन्न हुआ था कि 95,000 के ऊपर रेती चोरी हो चुकी है। तो इसके लिए माननीय श्री पांडे साहब ने तहसीलदार सांगाड़े साहब पारशिवनी और एसडीएम मैडम रामटेक इनको एक नोटिस भेजा था। नोटिस में कहा गया था कि ये चोरी का कैसे हुई, किस हिसाब से, ऐसा उनको एक छोटा छोटी दे चुका था। तो तहसीलदार ने आनंद फानम में जिससे 35 लोगों के ऊपर 18 फरवरी 2022 को नोटिस निकाला। जो लोग इनसे बिलोंग थे कि नहीं थे नहीं मालूम, लेकिन ये जो घाट है, ये जो तीनों रेती घाट है, ये नीलाम में नहीं थे और इसका कोई मालक भी नहीं था। पारशिवनी से बीसीएन न्यूज के लिए अरुण महाजन की रिपोर्ट।